अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप जहाँ पर भी हों ठीक हों। ज़्यादा बुखार है इस टाइम भी, शदीद बुखार हो रहा है। बाहर लेके जा रही हूँ इसलिए थोड़ी एक्साइटेड है, वरना इसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये देखिए मेरी सदके जाऊँ, आंखें उतरी हुई हैं मेरी बेटी की। आज मौसम बड़ा प्यारा हो रहा है, ये देखिए हवा चल रही है, बादल है, सुबह से हवा चल रही है। और फातिमा की तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने सोचा चलो बाहर का चक्कर लगा लेते हैं। ये देखिए हवा देखिए इतनी प्यारी प्यारी माशाल्लाह चल रही है। बहुत ज़्यादा ठंडी और तेज़ हवा है, मज़े मज़े की। फातिमा के लिए मुझे यहाँ से सनग्लासेस लेने हैं और मुझे इसमें से अच्छा लग रहा है, दो तीन अच्छे लग रहे हैं वैसे। ये पिंक, एक ये ब्लैक, कौन सा लूँ। मैं पिंक में लेना चाह रही हूँ, उन्होंने मुझे ये दिखाई है। फातिमा को ट्राई करते हैं। कैसी लग रही है फातिमा? उसको पसंद नहीं आ रही। ठीक है। ये वाली ले लेते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फातिमा ज़ारा रो रही थी मार्केट में, उसे भूख लग गई थी और तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी उसकी। तो मैं उसको जो सबसे करीबी हॉस्टल पड़ता था, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ ले आई। और यहाँ पर आके मैंने उनसे कहा कि मैंने इसको फीड कराना है तो मुझे कोई जगह दिखा दें। उन्होंने मुझे ये रूम दिया है और मैं आपको बताऊँ, ये वो रूम है जो 25 मई 2012 को मुझे मिला था और ये वही हॉस्टल है। फातिमा सर आप रो रही हो, आपको पता है आपकी मम्मी सबसे पहले इसी वाले हॉस्टल में, इसी रूम में आई थी 25 मई 2011 को, पता है आपको? ये देखो मम्मी इसी रूम में रहती थी, इसी वाले रूम में, वो मम्मी की कपड़ होती थी, वो देखो। चलो इस बहाने आज मेरी बेटी ने भी देख ली, अच्छा चलते हैं चलो। खुदा की कुदरत देखे, कुदरती तौर पे मैं फातिमा ज़हरा को फीड करवाने के लिए आज 24 मई को यहाँ आई हूँ कुदरती तौर पे, वरना मेरा आने का कोई इरादा नहीं था। और ये देखे बस वो व्लॉग बनना था और ये वही रूम है जिसमें मैं आके रही थी। पहले दिन मुझे यही रूम मिला था और महीनों महीनों में इस रूम में रहती। ये वाली खिड़की है, आपको बाहर से सीन दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये नीचे रोड, रोड तो नहीं है, गलियाँ हैं, गली है। और ये देखिए घर है किसी का, दुकानें हैं नीचे। ये पूरा रूम का एक व्यू है। चलिए फिर मैं चलती हूँ यहाँ से, आपको बाहर से भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, ये हमारा किचन था, बाहर खिड़की लगी हुई है और यहाँ पर खड़े होकर खाना बनाते हैं। तो एक लड़की थी, मुझे उस लड़की का नाम याद जहाँ तक पड़ता है अतिया नाम था। तो वो बड़ी अच्छी लड़की थी, उसने देखा कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मेरा कोई भी नहीं है मुल्तान में। तो उसने मुझे कहा था कि तुम खाना बना दिया करो और खाना का जो सब्ज़ी वगैरह सामान है, राशन, वो मैं ले आऊँगी और हम मिल के खाया करेंगे। तो मुझे याद है मैं यहाँ पर खाना बनाया करती थी और वो और मैं मिल के खाते थे। तो ये गैलरी का व्यू भी मैंने आपको दिखा दिया। हानिया भी बैठी हुई है, दुआ भी मेरे साथ है, इनको मैंने दूसरे ऑफिस में बैठा दिया था। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, हम प्रेम भी ऊपर साथ लाए थे फातिमा की, अब हम नीचे जा रहे हैं। देखिए तंग सा रास्ता है और इस गर्ल्स हॉस्टल का नाम उस टाइम जन्नत गर्ल्स हॉस्टल हुआ करता था और वाकई में ये मेरे लिए जन्नत साबित हुआ था क्योंकि मेरी नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था और मेरी उन जालमों से निजात हुई थी। मैं 25 मई को हर साल यौम निजात के तौर पर मनाती हूँ और 2012 25 मई को अगर हम देखें तो अब ये पूरे 10 साल मुझे परसों हो जाएंगे 25 मई को। अच्छा, नीचे सारी मार्केट है तो फिर नीचे एक शॉप है, यहाँ पर कपड़े होते हैं लॉन के, यहाँ पर अच्छे कलर और अच्छे प्रिंट मिल जाते हैं। मैंने सोचा फातिमा ज़ारा के लिए कोई मुझे अच्छे प्रिंट मिल गए तो मैं ले लूँगी। ये ग्रीन था, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कैमरे में, वैसे इतना अच्छा नहीं था। ये ब्लू भी थोड़ा कैमरे में ही अच्छा लग रहा है, अच्छा नहीं है। और ये खट्टा सा कलर है पैरट ग्रीन, ये भी अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। मैं चाह रही थी कोई बड़े प्यारे से उसके प्रिंट हों और बड़ा खिलता हुआ सा कलर हो, तो मुझे तो इसमें कोई अच्छा नहीं लगा। आपको बहुत सारे कलर यहाँ पर अच्छे लग रहे होंगे लेकिन ये सिर्फ कैमरे में ही अच्छे लग रहे हैं, वैसे इतने अच्छे नहीं हैं। ये देखिए ये एक पिंक मुझे अच्छा लगा था लेकिन ये जो था ना इसका स्टफ़ मुझे पसंद नहीं है। ये अरबी लॉन था और ये गर्मी करता है क्योंकि ये मिक्स होता है, ये प्योर लॉन नहीं होता।
ये ब्लैक एंड व्हाइट मुझे अपने लिए अच्छा लगा था, लेकिन मैं ब्लैक एंड व्हाइट नहीं पहनती, अल्लाह जाने क्यों नहीं पहनती, बस मैं नहीं पहनती। तो बस फातिमा ज़हरा ये देखे माशाल्लाह थोड़ी सी फ्रेश हुई है, इसका बुखार थोड़ा सा उतरा है। यहाँ से फिर हम गए एक जूते वाली शॉप पे, वहाँ पर ये देखे मुख्तलिफ़ किस्म के सैंडल जो है मैंने वो ट्राई किए हैं, और ये वाला मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा था लेकिन बस मैंने नहीं लिया, पता नहीं क्यों नहीं लिया। ये भी अच्छा लगा था लेकिन बस पता नहीं मैंने क्यों नहीं लिया। मुझे चीज़ें जो हैं अच्छी बड़ी मुश्किलों से लगती हैं, और फातिमा का ये मुझे अच्छा लगा था, इसमें साइज़ नहीं था तो ये भी नहीं लिया। ये देखे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जूते हैं यहाँ पर, मुझे फातिमा के लिए मैं कोई देख रही थी लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रहा था। ये जो खुसा था ये बड़ा था, ये भी बड़ा था, इसमें साइज़ ही नहीं था फातिमा के लिए। हमारा आज का व्लॉग पूरा हो चुका है, हम जा रहे हैं घर। तकरीबन हम घर पहुंचने वाले हैं। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और आज का व्लॉग था यहीं तक, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। इतनी प्यारी प्यारी हवा चल रही है माशाल्लाह, देखिए बहुत गर्मी लगी हुई थी चल चल के, देखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।